मार्क्सवादी समन्वय समिति युवा मोर्चा का प्रखंड स्तरीय विस्तारीकरण सम्मेलन एवं वन भोज का आयोजन प्रखंड क्षेत्र के हवाई पट्टी मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मासस के हरिप्रसाद पप्पू केंद्रीय सदस्य सह पूर्व जिला अध्यक्ष ने शिरकत किया। साथ ही साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष युवा मोर्चा जगदीश रवानी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। कार्यक्रम की शुरुआत में मार्क्सवादी समन्वय समिति की ओर से अपने शहीद कॉमरेड के प्रति 2 मिनट का मौन व्रत धारण कर आत्मा की शांति की कामना की गई। कार्यक्रम के दौरान युवा मोर्चा के विस्तारीकरण को लेकर वक्ताओं ने अपनी अपनी राय रखने का कार्य किया। अपनी राय रखते हुए कॉमरेड हरिप्रसाद पप्पू ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति का अगर आकलन करें तो वर्तमान सरकार पूर्ण रूप से आम जनता विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, और इस सरकार को सही मायने में जो हिटलर शाही रवैया है इसके विरोध में युवाओं को गोलबंद करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि युवा ही देश की रीढ़ है जो एक दिशा एवं एक संकल्प लेकर आज हम जाएंगे, क्योंकि मार्क्सवाद का एक सिद्धांत है। मार्क्सवादी से लेकर समाजवाद तक, बिरसा से लेकर लेनिन तक, मार्क्सवाद से लेकर आदर्शवाद तक हमें आगे लेकर चलना है। वहीं केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष युवा मोर्चा जगदीश रवानी ने भी अपनी बातों को रखते हुए संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए नजर आए। आज का कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि वनभोज हम लोग मना रहे हैं बलियापुर प्रखंड में, और प्रखंड स्तर जो है कि लोग युवा मोर्चा का सम्मेलन भी रखे हैं और साथ साथ पिकनिक भी मना रहे हैं। और प्रखंड स्तर में जो सम्मेलन रखे हैं उसी का माध्यम से हम लोग पंचायत स्तर का गठन भी करेंगे और प्रखंड का भी युवा मोर्चा का गठन। किन किन पहलुओं पर चर्चा हो रही है इस बैठक में? चर्चा अभी फिलहाल जो है कि अभी प्रखंड कमेटी बनाई जाए, उसके बाद पंचायत कमेटी बनेगा, फिर हम लोग जिला में तो ही युवा को हम लोग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि युवा एकजुट हो। युवा ही जो है कि इस राज्य का या देश का युवा ही समझ पाता है। युवा ऐसी स्थिति होता है कि उसको समझ में आता है, जिससे शिक्षा ग्रहण का जो समय होता है वो युवा वर्ग के ही होता है। इसलिए देश को अगर बचा सकता है तो युवा ही बचा सकता है, इसलिए हम लोग युवा को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं और संगठन में। हम लोगों का एक मार्क्सवादी संगठन है जो मार्क्सवाद पर आधारित है। हमारा दिशा है समाजवाद का। चूंकि वर्तमान परिस्थिति का जो आज स्थिति का यदि हम आंकलन करें तो आज हम देखते हैं कि जो सरकार है देश में अभी बैठी हुई, ये पूर्ण रूप से आम जनता विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, और इस सरकार को सही माने में जो इनका हिटलर शाही है उसके खिलाफ आज हम लोगों ने युवाओं को गोलबंद करने का काम कर रहे हैं। चूंकि युवा ही देश का रीढ़ होता है और ये एक दिशा लेकर एक संकल्प लेकर आज हम लोग यहाँ से जाएंगे कि लाल झंडा का जो दिशा है मार्क्सवाद से लेकर समाजवाद तक, बिरसा से लेकर लैलिन तक, मार्क्सवाद से लेकर आदर्शवाद तक, कि ये जो लक्ष्य है हमारा, ये जो संकल्प है, इससे हम लोग लेस करना चाहते हैं आज के युवा वर्ग को, जो आगे चल के इस श्रृंखला को, इस परंपरा को आगे ले चले। चूंकि हम लोग सब लोग देखते हैं कि झारखंड होने के बाद माफियाइज्म बढ़ा है, हर दिन कहीं ना कहीं गोली बंदूक बम चल रहा है। ये 70 से 90 के दशक तक जब मासस का तीव्र आंदोलन था तब तक ये समाप्त था। आज एक बार फिर से झारखंड में माफिया शक्ति हावी हो रहा है, रंगदारी कर रहा है। इसके खिलाफ एक सशक्त संगठन की आवश्यकता है, एक लड़ाकू दस्ता की आवश्यकता है और एक चिंतनशील लोगों की आवश्यकता है जिनका दिशा रहे, आदर्श रहे, विचार रहे और नेतृत्व करने की क्षमता रहे। इसी उद्देश्य को लेकर आज हम लोगों ने ये युवा मोर्चा का सम्मेलन आयोजित किया है और इसमें अगला कार्यक्रम का हम लोग जो डिसीजन लेंगे वो एक संकल्प के रूप में लेंगे। यही मुख्य उद्देश्य है आज का।